हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये देखिए, बेबी के फंक्शंस में इतनी बिजी थी मैं कि पौधों को बिल्कुल देख ही नहीं पाई। और ये जो बड़ी पत्ती वाला पौधा है ना, जो मैं पहले दिखाती थी आपको, और इसका एक छोटा सा बेबी भी आ गया था निकल के, ये इसका इतना मोटा तना हो गया कि ये टेढ़ा हो गया था उस तने को लेके। तो आज मैं इसको थोड़ा सा सपोर्ट दूंगी, इसको साइड से कुछ लगा के और बांधूंगी इसको, और दिखाऊंगी आपको कैसे बांधा है मैंने इसे। और देखिए, काफ़ी मोटा तना हो गया इसका। मेरे को लग रहा है अब ये गमला यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा, तब बनेगी बात इसकी सही से। और मॉर्निंग टाइम है अभी, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी भारी सी सुनाई देगी आपको। ये देखिए, इसकी वजह से है ना, ये जैसे दूसरा पेड़ इसके साथ में उग गया, ये दूसरा पौधा, तो इसकी वजह से ये तना है ना टेढ़ा हो गया। अब इसको मैंने बांधा है इसके साथ, ये काफी मोटा तना हो गया ना, देखो। अब इसको मैंने, ये पाइप है, इस पाइप को गड़ाया है मिट्टी में और फिर इसके साथ इसको बांधा है ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए। और ये वाला जो पौधा है, ये भी काफी बड़ा हो गया, क्योंकि घर के फंक्शंस में बिजी थी मैं तो चेक ही नहीं कर पाई कुछ भी। बता रही थी ना मैं, सामने के ही काम हो रहे हैं, तो ये काफी बड़ा हो गया है, इस वजह से इसका झुकाव इसकी तरफ हो गया। और ये देखिए, ये भी काफी मोटा तना हो गया, इसका भी मोटा तना और इसका भी मोटा तना। तो इसको अब जल्दी से निकालना पड़ेगा मेरे को, इस वाले को ना जल्दी से निकालना पड़ेगा, नहीं तो कहीं इसमें ना कुछ नुकसान हो जाए पले पलाए पौधे में मेरे में। एकदम पेड़ बन गया ये पूरा। और आज रिंकू छुट्टी कर गई है, तो जिस दिन रिंकू छुट्टी करती है ना, उस दिन पारुल भी बोलती है मम्मी आप ज़्यादा काम करते हो, क्योंकि ये पंखे ना काफ़ी टाइम से गंदे हो रखे थे। पहले इनको सूखे कपड़े से पोंछा है और फिर पॉलिन करूँगी। अब पंखे जैसे ज़्यादा चलते हैं ना, तो गंदे हो जाते हैं ज़्यादा, तो आज है पंखों की बारी। और थोड़ी ये दीवारें भी करी है साफ, क्योंकि भाई रिंकू को जो भी हम हेल्प के लिए जिसको भी बुलाते हैं, उसको तो कई सारे घर करने होते हैं, तो वो फटाफट झाड़ू पोछा करके और चली जाती है, वह मेरे ही एक्स्ट्रा वाले काम रह जाते हैं। तो आज वो छुट्टी करके गई थी, तो आज मैंने पंखे साफ किए और थोड़ा बहुत दीवारें भी साफ किए। और देखिए, टेबल के ऊपर चढ़ के ऐसे साफ करने में मुझे दिक्कत तो होती है, सर्वाइकल है मुझे, ज़्यादा देर तक ऊपर हाथ नहीं कर सकती, लेकिन क्या करें, अब काम तो करना ही है। बेटा भी कर देता है वैसे तो, लेकिन आज ये अभियान है लगता, उसका फ्रेंड ये आना था, ने कुछ फॉर्म वगैरह कुछ करना था, कुछ काम करना था लैपटॉप में, मेरी मानसी के साथ हुई लग के, तो वो बोल भी रहा था मम्मी मैं कल कर दूंगा, फिर कल वही है रिंकू आ जाएगी और वो आके जल्दी जल्दी से काम करके जाएगी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही करती हूँ धीरे धीरे। तो मैंने करी कोशिश और हो गए, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। जब हम किसी काम के बारे में सोचते रहते हैं ना कि ये काम करना है, तो वो सोचते रहते हैं, और जब करना होता है तो फटाफट हो जाता है। Thank you.
कि नए नए जुड़ते रहते हैं व्यूवर्स, तो मैं सच आज फिर से बता देती हूँ एक बार, क्योंकि इनकी लेंथ बस इतनी है जितनी हमारी शीटिंग है, और अगर शीटिंग से अंदर तक ना घुसाएं तो कवर तभी निकल के नीचे गिर जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें ये कपड़ा जोड़ रखा है। 15 इंच का होगा शायद, ये 15-16 इंच का कपड़ा होगा ऐसे, और ये काफ़ी सारा दब जाता है, फिर सोफे कवर बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं एक बार सेट करने के बाद, अगर हमारा वो पंछी ना आए तो। नीचे जो रहते हैं किराए पे हमारे पास, हमारे साथ उनका पंछी है, कृष्ण कन्हैया है हमारा, वो आएगा और आके पूरे सोफे बिगाड़ के चला जाता है। मैं नहीं बोलती उसको बच्चा ही तो है, बच्चे अगर नहीं शरारत करेंगे तो क्या हम खिलाएंगे। ये बेडशीट वगैरह सब सेट कर दी है मैंने, सोफे भी ठीक कर दिए हैं, बेडशीट भी सेट कर दी है, और फटाफट काम होने लग रहा है मशीन की तरह, जैसे स्पीड बढ़ा दी है मैंने तो फटाफट काम होने लग रहा है। और ये गद्दा पीछे सरका के और तब मैं बेडशीट लगाती हूँ, उससे क्या होता है कि आसानी से आगे की साइड दब जाती है बेडशीट, और बहुत अच्छे से ज़्यादा रहती है, बेडशीट भी जल्दी से नहीं निकलती है। दबने के बाद मैं चारों तरफ से दबाती हूँ बेडशीट को, मुझे अच्छा लगता है चारों तरफ से दबाना बेडशीट को। झाड़ू तो लग गया था, मैंने लगाया था झाड़ू पे भी, पार्लर की क्लास चल रही है, थोड़ा बहुत तो उसने करवा दिया था, लेकिन फिर मेरे को खुद ही करना पड़ा, क्योंकि बच्चे की क्लास चल रही है तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सोचते हैं कि काम कर ले अपना, पढ़ाई कर ले, काम तो हम खुद ही कर लेंगे। और बस अब सारा सगवा हुआ के और पोछा लग जाएगा, झाड़ू और पोछा सब हो जाएगा मेरा, ऐसे ही धीरे धीरे करके क्या करना है, मुझे तो यही काम करना है, और बच्चों को तो पढ़ना भी है, और भी बहुत कुछ काम करना है उनको, और मेरा सिर्फ यही काम है अपना घर संभालना, अपना काम करना, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ बच्चों को, जो काम मेरे से हो जाए वो कर लेती हूँ, और जो नहीं होता वो बच्चों से करवा भी लेती हूँ कई बार, लेकिन जहाँ तक मुझसे होता है मैं कर लेती हूँ, मैं दुखी नहीं करती किसी को भी, चाहे अपना दिल में हो जाए लेकिन मैं परेशान नहीं करती हूँ। बताना क्यों, क्लास चल रही है इसकी, क्लास चलती रहती है, जो देखो क्लास चल रही है। चलो जी हम अपना भी डाल के लाते हैं,
सबको बुला के लाते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या ठाट है इसके, एक गद्दा नीचे एक पीछे। वो वहां पे ऑलरेडी था। एक नीचे एक पीछे, और लस्सी लाई भी नहीं। चलो मैं लाती हूँ इसके लिए लस्सी और खाना सबके लिए। मैं आई हूँ अभी नहा के, थोड़ा सा मैं तो कर लू, बाल तो खोलने का ही मन नहीं है, गर्मी इतनी है और अभी एसी में हूँ तो ठीक है, लेकिन बाहर निकलते ही कोई वक्त का शुरू होना है। और गर्मी का एक सूट और सिलवा लिया मैंने, देखो रोज तक सिलाई थी ये सूट भी, मैं गर्मी का है एकदम मजा आ जाता है इसको पहन के, पता भी नहीं चलता कि सूट डाल रहे हैं, इतना पतला सा है और प्योर कॉटन परदेश का है और सस्ता सा आया था, ज्यादा महंगा भी नहीं है, ये सस्ता सा आया था, मेरे को याद नहीं है क्योंकि कई दिन की बात होगी ना, और काफी सारे कपड़े लेके आए थे, एग्जैक्ट याद नहीं है, तो एग्जैक्ट याद नहीं है तो मैं बताऊंगी छोटे उसके नीचे बता के क्या फायदा, क्या आप साथ में से किसी को पता हो कि ये उतने का है और मैं बता दूं उतने का, पता है कितने का है। एक ही दुकान से कई सारे सूट किए थे हमने, कई सारी वैरायटीज ली थी, लेकिन ये है कि कपड़ा एकदम बेस्ट है। ये कलरफुल बिंदियों का है ना, ये दुख होता है। अभी देखो ये कलर जो है इनमें से मेरे पास एक भी सूट नहीं है इन कलरों में से, अब इस पत्ते को मैं निकालूंगी और वापस रखूंगी, ये रहेगा, निकालूंगी वापस रखूंगी, ये है अपनी सदाबहार, ना कलर का झंझट ना कुछ, रेड कलर की बिंदी, रेड और मैरून ये दो कलर ऐसे हैं, किसी सूट पे लगाओ और चलो। अभी चलते हैं किचन में खाना डाल के लाएंगे। आज का हमारा लंच है दाल चावल, कल रात में जो दाल बची थी उसी में तड़का लगा लिया और चावल बना लिए, एकदम शॉर्टकट वाला लंच। कल रात मैंने दाल बनाई थी, फिर कुछ को ऐसे ही बचा लिया था और कुछ में तड़का लगा के खा ली थी रात में ही, और कुछ अभी बची है उसमें हमने लगाया तड़का और हो गया हमारा लंच तैयार, बस चावल बनाए और दाल में तड़का लगाया, दाल चावल लस्सी और प्याज। ये देखिए ये है हमारा लंच आज का, एकदम सिंपल वाला जल्दी वाला।